अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्तों खैरियत से होंगे। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने अभी कुछ ही मिनट पहले ऐलान कर दिया है कि 3 मार्च बरोज़ जुमा तो मुबारक वो तमाम शहरों के प्लस प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। उन्होंने कहा है कि आज जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी उसमें ताजरों ने, वकला ने, सब्जी फरोशों ने, फल फरोशों ने, जिसने भी जिस तरह से भी हिस्सा लिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है उनको इस बात पर मजबूर कर देंगे कि वो पेट्रोल की कीमतों को कम करे। उन्होंने कहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान हकीकी मानों में गरीब की आवाज़ बनकर उभर रही है और हम ये अय्याश हुक्मरानों से पेट्रोल और महंगाई की जो तूफ़ान आया है इनको कम करवा कर रहेंगे। इसलिए उन्होंने 3 मार्च बरोज़ जुमातुल मुबारक तमाम शहरों के प्रेस क्लब्स के सामने तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानब से एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दी है और यकीनन उन्होंने कहा है कि ये तारीख की कामयाब तरीन हड़ताल है और वो जगह भी बंद, वो दुकानें भी बंद हुई हैं जो आज तक नहीं बंद हो सकी थी। तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने ये अपडेट दी है, हमने आप तक पहुँचाई है। मजीद अपडेट्स और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की वीडियो और तहरीक लबैक पाकिस्तान की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह।